नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में सिख समाज द्वारा गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव कार्यक्रम बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर दीवान साहब को भव्य रूप से सजाया गया और लंगर का आयोजन किया गया। मंगलवार सवेरे गुरुद्वारा ग्रंथी हरप्रीत सिंह द्वारा 3 दिन पूर्व रखे गए गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ का समापन किया गया। इसके उपरांत ज्ञानी सरदार जसविंदर सिंह द्वारा गुरु नानक देव जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया और शब्द कीर्तन कर साथ संगत को निहाल किया गया। दोपहर के समय अटूट लंगर का आयोजन किया गया। लंगर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। कार्यक्रम में सिख समाज के भारत भूषण खुल्लर सरदार सुखपाल सिंह बेदी, रवि खुल्लर, रामलाल खुल्लर, नरेश मिगलानी, रणजीत मिगलानी आदि मौजूद रहे। गुरु नानक जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में परसों से अखंड पाठ का आरम्भ हुआ था, आज उसकी समाप्ति थी। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये भंडारा हुआ है। गुरु का अटूट लंगर बरता गया है। गुरु जी के पहला उपदेश यही था कि नाम जपो, वंड के खाओ और उसका नाम लो और मेहनत करो, नेक कमाई की कमाई में से अपना दान करके और गरीबों में उसका बंटवारा करो। गुरु जी का उपदेश ये था कि ये पाखंड हैं, अडंबर हैं, इनको इन पे विश्वास मत करो। गुरु जी ने किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ण के, किसी भी जाति के लोगों को ये नहीं कहा कि तुम मेरा धर्म अख्तियार करो। उनका कहना था कि जिस धर्म में हो आप उसी धर्म की सच्चाई और सच्चे ईश्वर की प्रार्थना करो। ये हम एक दिन चला जी भंडारा, नहीं भंडारा तो एक ही दिन चलता है। अच्छा। अखंड पाठ जो है वो 3 दिन चलता है। अखंड पाठ का 48 घंटे में संपूर्ण होता है।